लिखना है, क्यू लिखना है, इस ब्लैंक में क्यू लिखना है, ये क्यू बी पार्ट में लिखना है। उसके बाद है सी पार्ट, एट अफेयर ऑलवेज रिमेंबर टू डैश डैश योर पेरेंट्स हैंड। जब भी आप कहीं क्राउड एरियाज में होते हो तो उस वक़्त अपने पेरेंट्स की हाथ को डैश डैश करना हमेशा याद रखना। क्या करना है, अपने पेरेंट्स के हाथ को होल्ड करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो सी पार्ट में होल्ड आएगा, एच ओ एल डी होल्ड। उसके बाद है डी पार्ट, डू नॉट इंसर्ट योर डैश डैश इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट। अपने डैश डैश को इलेक्ट्रिकल सॉकेट में इंसर्ट नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, फिंगर्स, जो कि बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं, फिंगर्स को उन सॉकेट्स के आसपास लेके जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। तो डी पार्ट में क्या आएगा, फिंगर्स आएगा। इसके बाद है ऑलवेज डैश डैश ऑन द पेमेंट, हमेशा पेमेंट पे क्या करना चाहिए, डैश डैश करना चाहिए, पेमेंट पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए। जब हम रोड पे कहीं जा रहे हैं तो रोड के बीच से नहीं जाना है, हमें पेमेंट से ही जाना है। ठीक है बच्चों, तो ई पार्ट में क्या आएगा, वॉक आएगा, वॉक जो है ई पार्ट में आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन थर्ड पार्ट, क्या करना है, सही इन तीन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ब्लैंक में फिलअप करना है। सबसे पहले लिखा है सेफ्टी रूल्स आर मेड फॉर आवर, सेफ्टी रूल्स हमारी किसके लिए बना है, हैप्पीनेस, सेफ्टी या ग्रोथ, हमारी सेफ्टी के लिए, जब हम सेफ रहेंगे तभी हम हैप्पी रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट को टिक लगाना है। फिर बी पार्ट है सेफ्टी रूल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, सेफ्टी रूल हमें किस से बचाने में मदद देते हैं, इंजरी एंड पेन, बींग हैप्पी या बींग हेल्दी। तो इसमें क्या आएगा, हमें दर्द होने से बचाते हैं, हमें जख्म चोट लगने से बचाते हैं सेफ्टी रूल्स। तो फर्स्ट पार्ट में टिक लगाना है। फिर उसके बाद है सी पार्ट, वी शुड डैश डैश पुश ईच अदर एट द प्ले ग्राउंड या स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग या ऑलवेज वेयर फॉर आवर टर्न ऑन द स्विंग। हमें एक दूसरे को धक्का मारना चाहिए प्ले ग्राउंड पे, या हमेशा स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग, स्विंग के आगे रहना चाहिए, या हमेशा स्विंग पे अपने बारी का वेट करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें स्विंग पे अपने बारी का वेट करना चाहिए। थर्ड पार्ट को आप लोगों को टिक लगाना है। फिर डी पार्ट है वी शुड डैश डैश, हमें डैश डैश करना चाहिए, ट्राई टू जम्प ऑफ अ मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल से जम्प करने की कोशिश करना चाहिए, या गो इन टू डीप वाटर वाइल्ड स्विमिंग, जब हम स्विमिंग कर रहे हो तो उस वक़्त हमें पानी के अंदर जाना चाहिए, या नॉट पुश एनी वन इन टू द स्विमिंग पूल, किसी को भी स्विमिंग पूल पे धक्का नहीं देना चाहिए। तो क्या आएगा इसमें, थर्ड पार्ट आएगा, नॉट पुश एनी वन इन टू द स्विमिंग पूल। ठीक है बच्चों, इसका थर्ड आएगा, इसका भी थर्ड आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक देखेंगे इंशाल्लाह, कल नेक्स्ट पेज पे जो बाकी बचा है वो सब करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेना और लर्न भी कर लेना। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।